नमस्कार, मैं हूं आशीष। स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल मिक्स ज्ञान में। आज का ये वीडियो है महू से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन के ऊपर। हम पहुंच चुके हैं महू रेलवे स्टेशन, जिसको डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन भी कहते हैं। ये खड़ी है वो हेरिटेज ट्रेन जो हमें आगे कालाकुंड स्टेशन तक लेके जाएगी। ये व्यू है सेकेंड सीटिंग कोच का, जिसमें लकड़ी के सीट्स हैं जो कि पुराने ज़माने में होते थे। ट्रेन के लास्ट में लगे हैं दो विस्टाडोम को, जिनसे व्यू एकदम शानदार आएगा। टाइम हो चुका है 11:05 और अपनी ट्रेन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि महू रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है अपनी यात्रा के लिए। मीटर गेज की ट्रेन के इंजन मैन्युफैक्चर होना बंद हो चुके हैं, जिनकी वजह से पुराने इंजन को ही सही करके काम चलाया जा रहा है। और धुआं आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा उड़ा रही है ट्रेन। लगभग 20 मिनट चलने के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप पतालपानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। यह है पतालपानी का प्यारा सा और छोटा सा रेलवे स्टेशन। ये टोटल रूट डॉक्टर अंबेडकर नगर से ओमकारेश्वर के बीच है, और ये ट्रेन है जो कि ओमकारेश्वर से अंबेडकर नगर की तरफ जा रही है। आधा घंटा रुकने के बाद अब समय है इस प्यारे से छोटे से रेलवे स्टेशन को बाय बाय करने का और आगे की जर्नी शुरू करने का। पतालपानी रेलवे स्टेशन के बाद घाट सेक्शन शुरू हो जाता है, और जिसके लिए लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो नज़ारे दिखने लगते हैं, और पतालपानी जो है एक झरना है वो भी आने वाला होता है। और बारिश का मौसम होने की वजह से चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। ट्रेन अब पहुंच चुकी है पतालपानी वाटरफॉल के पास, और अब हम चलते हैं पतालपानी वाटरफॉल की तरफ। सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाटरफॉल। आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है, और उसके बीच में ये प्यारा सा वाटरफॉल। यहीं पे आइसक्रीम और भुट्टे वगैरह के शॉप्स लगी हुई हैं, तो आप कुछ ले भी सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही खूबसूरत हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नज़ारा मिस हो, इसलिए मैंने वीडियो को काटने की बजाय फास्ट कर दिया है। इस रूट पर 3-4 टनल भी आती है, उन्हीं से ये रही पहली टनल। पूरी जर्नी के दौरान ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को बार बार मिलेंगे। मानसून के टाइम पर हरे भरे पेड़ों की वजह से ये खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने तीसरे स्टॉप जो कि एक ब्रिज है, और यहाँ भी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है। ट्रेन रुकते ही सभी लोग ब्रिज की तरफ चले जाते हैं, और अगर आपको भी थोड़ा अच्छा फ़ोटो लेना है तो जल्दी आने की कोशिश करें। ट्रेन रुकने के 2 मिनट बाद कुछ ऐसा है, और ट्रेन रुकने के 5 मिनट बाद कुछ ऐसा। लगभग 20 मिनट बाद अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। पूरी घाटी कोरल नदी के किनारे है, और कोरल नदी बार बार आपको देखने को मिलेगी। ढाई घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन कालाकुंड रेलवे स्टेशन, और ये इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। इस ट्रेन में दो तरीके के कोच हैं, एक है सेकेंड सीटिंग और दूसरा विस्टाडोम कोच और चेयर कार कोच, और दोनों की बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो आप वहाँ जाने से पहले इनकी बुकिंग ऑनलाइन ज़रूर कर लें। जो सेकेंड सीटिंग का कोच है उसका जो फेयर है 20 रुपये है, और जो चेयर कार का कोच है उसका फेयर है 265 रुपये। ये फेयर सिर्फ एक तरफ का है, वापसी के लिए आपको अलग से टिकट बुक करना पड़ेगा। तो आप जाने के साथ साथ आने का भी टिकट ज़रूर बुक करें। वापसी में ये ट्रेन 3:30 बजे अम्बेडकर नगर के लिए निकलती है। पहाड़ों के बीच बना ये कालाकुंड रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इसके दीवारों पे जो पेंटिंग की गई है वो भी काफ़ी सही लग रही है। स्टेशन पर ही कालाकुंड का फेमस कालाकंद मिलता है, तो हमने यहाँ से लिया कालाकंद जिसका प्राइस मुझे पड़ा 10 रुपये। आप भी यहाँ आकर कालाकंद ज़रूर ट्राई करें। स्टेशन पर ही पार्क बना हुआ है, और उसमें झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा। पार्क में बेंच वगैरह भी लगी हुई हैं, तो आप यहाँ बैठ के लंच कर सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। स्टेशन के बगल से बह रही है कोरल नदी। देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई, जिसने ट्रिप का मज़ा डबल कर दिया। ये खूबसूरत से पहाड़ बादलों के साथ और भी अच्छे लग रहे हैं। समय हो चुका है 3:30, और अब बारी है इस प्यारे से स्टेशन को बाय बाय करने का। इस प्यारे से स्टेशन को बाय बाय करने के बाद हम वापस चल पड़े हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन की तरफ।
बारिश लगातार हुए जा रही है जिससे वैली की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इन पहाड़ों के बीच बसे ये छोटे छोटे घर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। साढ़े पाँच घंटे की रोमांचक जर्नी के बाद अपनी यात्रा होती है ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।